रौनक फरार हो गया ना इसका। कहाँ गप कर रहा है उत्कर्ष? ए अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी, अगस्त्या वीडियो ऑन कीजिए। ए उत्कर्ष पटना, कहाँ गप करे में लगल है? देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो सर्च पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सर्च पढ़ा रहे हैं ना, तो टाइप ऑफ सर्च पढ़ा रहे। सर्च कहने का मतलब क्या होता है वो, है ना, कुछ ऐसा टाइप का नंबर, ऐसा सिंबल मिलेगा, है ना, ऐसा चम्मच टाइप का सिंबल मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप का सिंबल मिलेगा इसी को क्या कहेंगे, सर्च कहेंगे। और इसी पे आपको क्या करना, ऑपरेशन करना, बहुत सारे इसके बारे में आपको सीखना है ना। तो कल आपको आप क्या बताए थे, वो टाइप्स ऑफ सर्च बताए थे ना, तो आपको कल बताए थे प्योर सर्च और मिक्स सर्च बताए थे ना। प्योर सर्च किसको कहते हैं सर, प्योर सर्च किसको कहेंगे, अगर सर्च के बाबू है ना बाहर में कोई नंबर नहीं है, जैसे ये आपका क्या हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सर्च कहेंगे। और यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, ऑर्डर सर्च का कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोफिशियंट क्या होगा, 1 होगा, कोफिशियंट बाबू 1 होगा। तो वैसे सर्च को हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सर्च कहेंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर कोई नंबर आ जाता है 7 8 7 5, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स सर्च कहेंगे। क्या कहेंगे, मिक्स सर्च कहेंगे ना, मिक्स सर्च कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो उसी में बाबू अगला जो टाइप है बाबू है ना, तीसरा जो टाइप है, सिंपल सर्च है, कंपाउंड सर्च है, बाइनोमियल सर्च है, और सर ट्राइनोमियल ये सर्च है ना, एक्सप्रेक्शन ठीक। की तरह लगता है सर, नेक्स्ट, एक्सप्रेक्शन की ठीक, अच्छा कुछ ठीक, हल्ला मत तरह करो, है। अच्छा ठीक, हल्ला मत करो। देखो सिंपल सर्च क्या होता है बाबू, वैसा सर्च, सिंपल सर्च क्या, मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स मतलब क्या बाबू, 1। वैसा सर्च बाबू जिसमें सिर्फ एक के टर्म रहे, जैसे सारे में एक ही टर्म है ना जी, एरो में एक के गो है, एरो में एक के गो है, मतलब दो या दो से ज्यादा सर्च हो, प्लस माइनस से सेपरेट नहीं रहे। ये भी बाबू इसमें दो टर्म नहीं समझना, ये इसके साथ दो क्या मल्टीप्लाई में, तो ये भी एक ही सर्च है सर, ये भी एक ही सर्च है, ये भी एक ही सर्च है। तो जिसमें बाबू अगर आपको एक के वो सर्च दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्च कहेंगे। कौन सा कहेंगे, मोनोमियल सर्च कहेंगे ना, मोनोमियल कहेंगे, ठीक। समझते चलना शांति से ना, ठीक। तो ये सारा का सारा क्या, नीचे क्या देख रहा लोग, ये सारा का सारा क्या, मोनोमियल सर्च है। सारा का सारा क्या बाबू, मोनोमियल सर्च है ना, मोनोमियल सर्च, जिसमें एक के वो रहेगा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं सीखना है ना। कंपाउंड सर्च किसको कहेंगे बाबू, जो बाबू सर्च बाबू दो या दो से ज्यादा प्लस माइनस साइन से क्या हो, कनेक्टेड रहे। जब भी दो या दो से ज्यादा सर्च को क्या कर दोगे, प्लस माइनस से सेपरेट कर दोगे, तो वैसे सर्च को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड सर्च कहेंगे, है ना। दो सर्च ले लो, तीन गो सर्च ले लो, है ना, या एगो सर्च ले लो, एगो रेशनल नंबर ले लो, है ना, तो और उसको किससे सेपरेट कर दो, प्लस माइनस सिंबल से, है ना। तो वैसे सर्च को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड सर्च कहेंगे ना, कंपाउंड कहेंगे। मतलब क्या आप कहना चाहें, मनसे पढ़ना राजनंदी, ये सर्ट बाबू इज कॉल्ड कंपाउंड सर्ट बाबू इफ इट इज बाबू अल्जेब्राइक सम या डिफरेंस ऑफ आइदर फॉलोइंग टू। अगर दो गो सर्च बाबू है ना, दो गो सर्च, मयंक वीडियो ऑन करो जी, मयंक, अगर दो सर्च बाबू किससे डिफरेंट है, सेपरेटेड है, प्लस माइनस, दो या दो से ज्यादा सर्च प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड सर्च कहेंगे ना, ठीक। जैसे समझने का मतलब क्या होगा, कंपाउंड सर्च किसको कहोगे, दो गो या तो सिंपल सर्च रहेगा, जैसे एगो ये सिंपल सर्च हो गया, एगो ये हो गया, ये दोनों सर्च को कैसे जोड़ दो, प्लस माइनस से, ये वो सिंपल सर्ट है ना, वो ये सिंपल सर्ट है, तो दो को सर्ट्स का किसको जोड़ दो, है ना, बीच में प्लस जोड़ दो, चाहे माइनस जोड़ दो, तो ऐसे सर्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड सर्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड सर्ट्स कहेंगे ना। तो है ना, अब शांति से, तो दो सर्ट्स भी रह सकता है सर, दो से ज्यादा सर्ट्स भी हो सकता है, यहाँ कई हुआ सर, तीन हुआ है ना, तो कंपाउंड किस, दो सर्ट भी होगा, दो से ज्यादा भी होगा, तीनों को हो सकता है, चारों को हो सकता है, ठीक है ना, चारों को हो सकता है, ठीक। एक बात और याद रखना, क्या सर, या तो एगो सर्ट्स रहेगा और एगो क्या रहेगा, कोई रेशनल नंबर, मतलब कोई नंबर हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2, 3/2 है ना, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर बताया था बाबू, है ना, जो भी नंबर बाबू फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, PYQ के फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो कंपाउंड सर्च किसको कहोगे सर, वैसा सर्च बाबू है ना, या तो दो गो सिंपल सर्च का क्या होगा, कम्बिनेशन होगा, या एगो सर्ट होगा, एगो कोई क्या होगा, नंबर होगा, है ना, एगो सर्ट होगा, एगो क्या होगा, कोई नंबर होगा, या दो से ज्यादा क्या होगा, सर्च होगा, है ना, दो या दो से ज्यादा क्या होगा, सर्च होगा। तो ये सब सारे का सारे मेरा क्या बनेगा, कंपाउंड सर्च बनेगा, क्या बनेगा, कंपाउंड सर्च बनेगा ना, सुनते चलना है, ठीक। ये सब सारे का सारे क्या बनेगा, कंपाउंड सर्च बनेगा। कहाँ घूम रही लक्ष्मी, फिर घूम रही ना बाबू, लक्ष्मी बाबू अभी उठा बैठी करवा देंगे, लक्ष्मी खाली घूमते रहती हो। नेक्स्ट बाबू, एगो तो रौनक फरार हो ले जी, नेक्स्ट, तो कंपाउंड सर्च जैसे क्या सर, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, अरे जैसे मान लो ये √7 क्या है, सिंपल सेट हो गया, √8 क्या है, सिंपल सेट हो गया, चलो आइए √10 क्या है, सिंपल सेट हो गया, ये तीनों का तीनों क्या है, सिंपल सेट है ना, ठीक हो। अभी कहीं पे प्लस दे दो, कहीं पे माइनस दे दो, तो ये जो सेट बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेट होगा, ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेट हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना, दो या दो से ज्यादा को सेट को क्या करना, प्लस माइनस से जोड़ देना, तो यहाँ पे दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, एगो प्लस एगो माइनस भी हो सकता है ना।
तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, कंपाउंड सेट कहेंगे, क्या कहेंगे, कंपाउंड सेट कहेंगे राजदीप बाबू, है ना, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो बाइनोमियल सेट किसको कहेंगे, वैसा कंपाउंड सेट बाबू जिसमें सिर्फ दुइये गो टर्म रहे, जिस कंपाउंड सेट में बाबू सिर्फ दुइये गो टर्म रहे, जैसे बाइनोमियल में बाइनोमियल, बाई मीन्स क्या होता है, दो होता है, मोनो मीन्स वन होता है, बाई मीन्स क्या होता है, दो होता है, ट्राई मीन्स क्या होता है, तीन होता है। तो जिस बाबू जिस कंपाउंड सेट में दुइये गो टर्म रहे, जैसे इसमें क्या दुइये गो ना है जी, एगो एट है, वो ई थ्री, जैसे रूट सिक्स रूट एट है, तो दुइये गो टर्म है ना, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कह देंगे, बाइनोमियल सेट्स कह देंगे, क्या कह देंगे, बाइनोमियल। देखो यहाँ पे दुइये गो टर्म है, तो इसको क्या कह देंगे, बाइनोमियल सेट्स कह देंगे, क्या कह देंगे, बाइनोमियल कह देंगे, यहाँ पे दुइये गो है, तो एगो तो सेट्स जरूर रहेगा, और एगो सेट्स हो भी सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर वगैरह हो सकता है ना, एक दो तीन चार पाँच माइनस प्लस कुछ हो सकता है फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन में मेरा कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा क्या है मेरा कम, ये बाइनोमियल सेट्स है। एरे में एगो और कुछ हो जोड़ दो अपने मन से, अगर तीन को जोड़ देते हो, मान लो इसमें प्लस सिक्स जोड़ देते हो, प्लस सिक्स तो ही है, प्लस सेवन जोड़ देते हो, तो यहाँ तीन को टर्म हो गया ना, तो ऐसे सेट को क्या कह दोगे, ट्राइनोमियल कह दोगे, ऐसे को क्या कह दोगे, ट्राइनोमियल कह दोगे, है ना, ट्राइनोमियल कह दोगे, ठीक है ना। तो मोनोमियल सेट किसको कहेंगे, जिसमें एक के गो रहेगा, माइनोमियल हो गया। कंपाउंड किसको कहेंगे, जिसमें है ना दो या दो से ज्यादा सेट्स रहेगा, उसको कंपाउंड कहेंगे। और कंपाउंडिंग में बाबू अगर दो गो सेट्स हैं, है ना, दो गो हो गया कंपाउंडिंग में, वो क्या हो गया, दो गो हो गया, तो उसको बाइनोमियल कह देंगे। और कंपाउंडिंग सेट में अगर तो ऐसा कंपाउंड सेट जिसमें क्या हो जाए, तीन गो हो जाए, तीन गो सेट्स हो जाए ना, तो उसको क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल कह देंगे, उसको क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल कह देंगे, है ना, ट्राइनोमियल कह देंगे। अब आपको कुछ कुछ देख के पहचानना है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है ना, मतलब बाबू, है ना बाबू, क्लासिफाई द गिवन सेट्स बाबू, बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल, है ना, कैसे करोगे, है ना, यहाँ पे अभी आपको समझना, उसके बाद आपको लिखना है ना, नेक्स्ट हो जो नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, है ना, कौन सा सेट्स बाबू बाइनोमियल होगा कि ट्राइनोमियल होगा कि मोनोमियल होगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला, जिसमें दो गो सेट्स रहेगा बाइनोमियल, जिसमें एक गो रहेगा मोनोमियल, और जिसमें तीन गो रहेगा उसको अच्छा ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल, और तीन गो से चलो ज्यादा, ठीक। नहीं लिखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, अब शांति से सुनो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू, क्लासिफाई द गिवन सेट्स बाबू, सर, क्वेश्चन नंबर 276। 276। नेक्स्ट बाबू, पहले कौन लिखना बोल, है, नहीं पहले समझ लो उसके बाद लिखना, है ना बाबू, क्लासिफाई बाबू द गिवन सेट्स, लिखना नहीं है पहले समझ लो, गिवन सेट्स एज, है ना, मोनोमियल या सिंपल भी कह सकते हो बाइनोमियल संकल्प शैतान या ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल सर इसको लिखे। ठीक नहीं पहले समझो, 276 नंबर, जैसे रूट फोर है, प्लस रूट थ्री है ना, अब प्लस क्या है बाबू, मान लो कितना है, क्यूब रूट ऑफ या 9 है, तो अब ये देख के आपको कैसा रहेगा, कैसा लग रहा है, तीन गो सेट है ना सर, एक गो दो गो ट्राइनोमियल तीन, तीन गो ट्राइनोमियल, लेकिन ट्राइनोमियल नहीं है, शांति से समझना है, राजदीप वीडियो ऑन करो जी, क्या वीडियो ऑन करो बाबू, समझना बाबू, देखने से आपको क्या फील हो रहा है, स्थान मत लिखो बोली, तब है बाइनोमियल होगा। ना, ये रौनक कहाँ जी, रौनक, रौनक बाबू ये एकदम ढीठ हो गया, इसको भगा देंगे, एक तो मोबाइल मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया बाबू, शैतान भाव, इसके पापा से बात नहीं हो रहा। देखो तो पहले दिया गया सर्ट्स बाबू, बच्चा अपनी ना हो जी, आपको बाबू पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना, देखो स्क्वायर रूट फोर है, स्क्वायर रूट थ्री, ऐसे देखने से आपको कैसा फील होगा कि ये ट्राइनोमियल सर्ट्स है, कैसा होगा, ट्राइनोमियल होगा, मन से पढ़ना बाबू, सुरभि, ठीक, कहाँ गई सुरभि, नहीं वो सुरभि जी, मयंक बाबू में कर है क्या सर, कर, हाँ बाबू ठीक है, ठीक यही मयंक, अच्छा ठीक है सुरभि, मयंक बाबू वीडियो ऑन करो जी, मयंक, नेक्स्ट बाबू, इसमें खींचोगे तो इसमें दिखाएगा, खींचो। नेक्स्ट बाबू, देखो अब इसको समझना,
तो ये फोर है सर, तो इसको इसको कितना लिख, इसको सिंप्लीफाई पहले करो, तब फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? मान से समझना मैं, ये दो है बस यहाँ नहीं कुछ है तो दो है, फोर को क्या लिखेंगे? टू मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री को तो नहीं लिख सकते सर, नाइन अगर सिंप्लीफाई होता है सर, हाँ सर थ्री मल्टीप्लाई थ्री। नेक्स्ट समझो, टू मल्टीप्लाई टू मतलब कितना सर? दो का स्क्वायर शैतान मयंक, अब प्लस थ्री हो गया बाबू, आई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मतलब कितना? थ्री का स्क्वायर, यहाँ ऑर्डर टू हो गया, ऑर्डर पावर सेम, दो बाहर निकल जाएगा, ये तो बेचारा रूट थ्री रह जाएगा, ये नहीं ना टूटेगा जी। नेक्स्ट वो अगर ब्रेक हो ब्रेक करना, ऑर्डर पावर सेम, तीन बाहर निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू है ना, आगे बाबू। हाँ हाँ बाबू, गुड इवनिंग। न 9 बजे कॉल करते हैं, नहीं तो सर। ठीक है सर, हाँ बाबू, तो ये कितना हो जाएगा? टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा? फाइव, इसको ऐड कर दो, तो टू ऐड करोगे थ्री ऐड करोगे तो टू प्लस थ्री कितना? फाइव रूट थ्री है ना। अब इसके बाद ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो देखे में क्या लग रहा था सकल सूरत से ट्राइनोमियल, लेकिन अंतिम में जब सिंप्लीफाई किया बाबू तो क्या बचा? दुइये को बचा ना, तो ये कौन सा सर्स हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। मतलब बाबू दिया गया जो सर्स है उसको पहले क्या करना? सिंप्लीफाई कर लेना। क्या करना? सिंप्लीफाई कर ले, बताइए क्या? बचपने में बताए, सूर्य में बताइए, सब ब्रेक करेला है ना, चार को टू मल्टीप्लाई टू, नाइन को थ्री मल्टीप्लाई थ्री करेंगे है ना, थ्री मल्टीप्लाई थ्री करेंगे। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो है ना, अगला समझो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जैसे भोला क्या करा, 277, म्यूट करो जी। जैसे भोला क्या है, क्यूब रूट एट है, अब प्लस कितना है बाबू? शांति समझना। नेक्स्ट बाबू है ना, यहाँ पे फोर है, माइनस फोर है ना भोला। अब ये देखने से आपको क्या लग रहा है? एक और कुछ लिख लो भोला, प्लस बाइनोमियल है ना। नेक्स्ट, नीचे और दे दो बोला, जगह नहीं है, प्लस सेवन दे दो। अब ये देखने से तीन गो लग रहा है सर है ना, लेकिन तीन गो नहीं लग रहा है ना, एक के गो है। देखो कैसे, ये देखने से पहला ऑप्शन आपको क्या मारोगे? मान लो आ जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल नॉन ऑफ दिस, तो ट्राइनोमियल मारोगे, लेकिन नहीं वैसी बात नहीं है। देखो कैसी बात है, एट है बाबू, तो एट को कैसे लिख सकते हो? टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, एट को फैक्टर करोगे ना जी, एट को फैक्टर करोगे भोला, टू से ऐसे टू हो गया, टू से ऐसे ये एट से करोगे फोर हो जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा? ये टू हो जाएगा, टू से करोगे तो वन हो जाएगा, तो एट मेरा तीन बार मल्टीप्लाई हुआ। ठीक सर, माइनस फोर को क्या लिख सकते हो सर? अभी बताएं, टू मल्टीप्लाई टू लिखोगे, अब प्लस कितना है? रूट सेवन है, यहाँ पे तो ऑर्डर तीन है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब दो तीन बार मल्टीप्लाई है, तो बचपने में पढ़ा है, दो तीन बार मल्टीप्लाई मतलब दो के पावर थ्री, दो दो बार मल्टीप्लाई है मतलब कितना? दो के पावर दो, अब प्लस रूट सेवन। म्यूट करो, किसका म्यूट है जी? यहाँ ऑर्डर नहीं कुछ है, तो बचपने में सिखाए थे क्या होता है, जहाँ ऑर्डर कुछ नहीं होता बाबू वहां पे कितना होता है ऑर्डर? वो टू होता है। यहाँ पे नहीं कुछ लिखा लेता, क्या है? टू है। ठीक, ये ऑर्डर पावर सेम क्या हो गया? ऑर्डर पावर सेम तो दो बाहर निकल जाएगा, हाँ सर, यहाँ ऑर्डर पावर सेम, तो ये दो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, बीचे में माइनस है, माइनस दे दो, है ना, रूट सेवन है तो वो तो बेचारा रह ही जाएगा। ये दो दो क्या हो गया? मर जाएगा बाबू, टू माइनस टू कितना होता है? जीरो होता है, टू माइनस माइनस टू क्या प्लस होता है सर, माइनस प्लस ना। के हाँ ठीक है, यहाँ आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, तो टू माइनस टू कितना? जीरो, जीरो प्लस रूट सेवन, यह क्या बन जाएगा? रूट सेवन बाद बन जाएगा। एक गो ना आ गया, क्या आ गया? एक गो आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा है ना, मोनोमियल सर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है ना। नाउ यू हैव टू राइट डाउन नेक्स्ट। क्या मयंक बाबू? नहीं, नेटवर्क पकड़ रहा है जी। मयंक, मयंक बाबू, सर, सर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी आपका, ऐसे बार बार हो रहा बाबू। हो रहा है सर, वो बीच बीच में वो दूसरे रूम में आया हूँ ना, इसलिए वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। डल जल्दी लिखिए। सर।
अच्छा लिखने दीजिए सारे को, बस रौनक। मीनिंग लिखवा अच्छा ठीक है दीजिए बाबू, ना। मोबाइल ब्लैक लिस्ट में काहे डाल दिया जी, है DIY कुटिया देंगे। ब्लैक लिस्ट रौनक ब्लॉक कर बाबू बहुत, दीजिए हाँ नंबर। बाबू रौनक काहे शैतानी करते हो जी। हाय रौनक बाबू, बहुत पीटेंगे रौनक। क्या गॉड हुआ सर, मीनिंग आपका बाबू, शैतान फोन ब्लैकलिस्ट में फेंक दिया? पढ़ता नहीं। होमवर्क वगैरह कितना दिन से बना के नहीं भेजा जी, आज इसके सर पापा जी के फोन 69 कर दिया। से होगा सर। कौन मैं अच्छा सर, 69 से होगा अच्छा ठीक ठीक है। इंटरमी मम्मी। हाँ तो ही इंटरमिंग क्या बाबू, मिंगल है, इंटरमाइंड, इंटरमिंगल होता है। इंटरमिंगल, बिंगल, बिंगल। कौन पिटेंगे सर ये कौन है? सर स्वाइन कौन देके शोर मचा। सर, मत कीजिए। मिलना होता है बाबू, क्या होता है सर मिलना होता है। मिलना से याद है, मैं एक दोस्त के घर मिलने जा रहा हूँ, उससे अच्छा ठीक है, बात आप इसको है। मीट भी कह सकते हो, जूम मीट नहीं है, मीट कह जूम सकते हो। मीट। थियर्ड, थियर्ड सर मीन्स क्या होता है बाबू, कला सर होता है। ये गूगल वाला मीट है, क्लर्क नहीं गूगल वाला नहीं है, कला का मतलब क्या होता है? होता है, कला मतलब लड़ाई झगड़ा। सर मैंने अरे तो हाँ लिखे गिटार। फ्रॉड। हाँ फियर्ड है, फियर्ड है। अच्छा सर एक दो और लिखवा दीजिए ना। सर 69 में सर, बिंगल और 70 में फ्रॉड। हाँ बाबू झगड़ा इसको आप लोग कह सकते हो बाबू। मारा पीटी सर किसको, झगड़ को? अच्छा झगड़ा। हाँ झगड़ा, थियर्ड मीन्स झगड़ा कह सर सकते हो। पानीपत की लड़ाई। सर अच्छा ठीक है, पानीपत का झगड़ा ही होता है ना, क्वारल। इनिमिटी बाबू, इनिमिटी भी कह सकते हो, यही मतलब, सारे का मतलब वही है। सर क्वारल। क्वारल भी कह सकते हो, इनिमिटी। अरब नहीं है, जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट, एक दो और समझाते बाबू। चाहिए अच्छा ठीक है, एक दो और समझाते हैं, उसके बाद आपको हम लोग कंजुगेट सर, इसका पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सर सर इसका। मैं लिख रही हूँ, अच्छा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, हल्ला मत कीजिए, हल्ला थोड़ी ना कर, जल्दी लिखो संकल्प। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सर। अच्छा भेज उसको रहे हैं जी। नीचे लिखना है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 को। अरे 0 + 7 करोगे तो √7 ही ना नो बचेगा सर जी। इधर नहीं, क्वेश्चन में। नहीं एक लाइन में लिखे, मेरे पास स्पेस नहीं था इसीलिए नीचे लिखे, मेरे पास स्पेस नहीं था लिखने में, मुझे नहीं बन रहा लगा था। ऐसा। मुझे लगा ऐसे ही लिखना है। अच्छा ठीक है, अरब नहीं आया बाबू, इसको बच्चा वाला क्लास में लेकर जाना पड़ेगा। भाग नहीं इधर से, जल्दी लिखे बाबू, इसको पता ए उत्कर्ष वीडियो ऑन करो जी। ये भी शैताने हो गया। अरौनक होमवर्क बना के कहा नहीं भेजता जी, अरौनक हाँ सुंदर लाल कर दे सर। रौनक होमवर्क बना के कहा नहीं भेजता बाबू। देखिए तन्नू क्या क्या बोल रही। इसके पापा जी ही कॉल करेंगे आज, जल्दी लिखे जी। सर मैं वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, डायरी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे खोलिए। उत्कर्ष वीडियो ऑन करो जी, उत्कर्ष बाबू ऑन करो, उत्कर्ष।
चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। लिखा। जल्दी लिखें, देखो इंटरमिंगल है, इंटरमिंगल है मतलब क्या होता है सेवन बाबू। हाँ जल्दी लिखो ना जी। इंटरमिंगल मींस क्या होता है, मिलना होता है। और सेकंड वन फियर्ड है, फियर्ड फियर्ड मींस क्या होता है, लड़ाई झगड़ा है ना। कला बाबू झगड़ा, कला मींस क्या होता है, लड़ाई होता है जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है उसको फियर्ड कहेंगे। दो गो झगड़ा होता है, एगो बाबू है ना तुरंत झगड़ा हुआ तुरंत सुलह हो गया, एगो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है तो उसको हम लोग फियर्ड कहेंगे। 1897 में तनु वर्मिंग सर, चांद पास। रहो तनु, ले बकर बकर करते रहती है बोलने लग सीख गए। नेक्स्ट बाबू, कौन 278 नंबर। भैया है ना, सर वर्ड मीनिंग रहने दीजिए। क्या कर रहे थे इतना देर से, अब ग्रुप से लिख लीजिएगा था। आगे समझो, नहीं लिख पाए तो ग्रुप से लिख लेना, भेज दिए ग्रुप में। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। जब भी आपको बाबू शर्ट्स को क्लासिफाई करने कहेगा मोनोमियल बाइनोमियल ट्राय में, तो उसको एक बार कोशिश करो सिंप्लीफाई करने का। जैसे भोला क्या कह रहा बाबू, जैसे मान लो बाबू कितना का दे, 125 का दे है ना, आप प्लस कितना का दे बाबू, 5 रूट कितना कर दे, 5 कर दे है ना। ठीक है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, आप प्लस कितना कर दे बाबू है ना, माइनस कितना कर दे भोला है ना, माइनस कितना कर दे भोला, 16 कर दे कि नहीं। अभी कहेगा कौन सा शर्त है, मोनोमियल है बाइनोमियल है ट्राइनोमियल कैसा है ना, कैसा इसको समझना है ना, इसको समझना है ना। मैं मन से बाबू रोशनी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो है ना। तो 125 को फैक्टर करो, आपको शर्ट्स को सिंप्लीफाई करने एक तरीका, फैक्टर करो, 5 से करोगे 25, 5 से करोगे कितना, 5, मतलब 125 को 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 5 5 लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 यही लिखेंगे ना। प्लस कितना हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा। अब माइनस 14 है, इसको 16 करो, अच्छा से हो जाएगा 16 करो। ठीक, तो 16 को कैसे लिखोगे, फैक्टर करो 16 को, तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 यही होगा ना, 500, मतलब 2 के 16 को फैक्टर करो, तो 2 कितना टाइम आएगा, 4 टाइम, कितना टाइम आएगा, 4 टाइम, 2 × 2 यही आएगा। हाँ सर यही तो आएगा है ना। ठीक, नेक्स्ट समझना जी। अब इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ नहीं है कुछ है तो 2 है, ये 5 किस में है, ध्यान देना ये 5 यहाँ पे नहीं है, 5 ऑर्डर 2 है, 5 कोफिशियंट में, 5 ऑर्डर नहीं है, 5 कोफिशियंट है, ये ध्यान देना है ना, छोटी छोटी बातें ध्यान देना। तो यहाँ ऑर्डर 2 है ना जी, तो यहाँ पावर भी 2 लाने की कोशिश करोगे तो कई को लिखेगा, 5, 2 को, एगो 5 छोड़ देगा। अरे ऑर्डर 2 है तो पावर भी 2 ही लिखो, क्यों सर, क्योंकि बाहर निकालने में आसान होता, ऑर्डर पावर सेम होता है तो बाहर निकल जाता है, शर्ट से बाहर निकल जाता है ना, इसीलिए हम लोग ऑर्डर पावर सेम करते हैं। नेक्स्ट बाबू, ये 5 है, इसमें तो बौधा नहीं निकलेगा तो रहने दो। आ इसमें देखो बाबू माइनस, सर निकल वहां पे जाएगा, उसको आप उसमें चेंज कर सकते हो, कोएफिशिएंट को उसके अंदर लाकर। हाँ अंदर ले जाके करोगे तो फिर यही टर्म बन जाएगा है ना, वैसे भी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ 2 है तो यहाँ दुद्दू का पेयर बनाओ, ऑर्डर 2 है ना, ठीक सर, तो यहाँ दुद्दू का 2 के मल्टीप्लाई 2 और 2 के मल्टीप्लाई 2, अरे शैतान, ये 2 है, ऑर्डर 2 है तो दुद्दू का पेयर बनाओ, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि बाबू ऑर्डर पावर सेम होगा, बाहर निकलने में आसान होगा, ऑर्डर पावर सेम हो गया तो 5 बाहर निकल जाएगा, ऑर्डर पावर सेम, 5 बाहर निकल गया, बौधा के पास पावर 2 नहीं है, पावर 2 रहता तब निकलता, अंदर सड़ने दो इसको है ना, घुट घुट के मरने दो। नेक्स्ट बाबू, ये तो बेचारा वैसे ही हो गया है ना। नेक्स्ट बोला, इसमें बाबू क्या क्या बाहर निकलेगा, देखो ये 2 भी बाहर निकल जाएगा,
ऑर्डर पावर सेम, इसका भी ऑर्डर पावर सेम, तो ये भी दो बाहर निकल जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दे दो। नेक्स्ट, ये 5 हो गया, 2 हो गया, प्लस 5 हो गया और 2 हो गया, माइनस 4 हो गया। अब ये कैसा सर्ट्स है, तीन गो है? नहीं बोला, आगे आपको एडिशन ऑफ सर्ट्स पढ़ाएंगे, सर्ट्स को जोड़े ला घटावे ला सिखाएंगे, है ना? तो अगर सर्ट्स का बाबू है ना, जोड़ना सिखाएंगे घटाना सिखाएंगे, है ना, जोड़ना घटाना सिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी सिखाएंगे। देखो ये दोनों सर्ट्स, अरे सब सिखाएंगे, ये दोनों सेम है कि नहीं है, इसको सर्ड फैक्टर कहते, ये दोनों सेम है ना, ये भी 2√5, ये भी 2√5, तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे एक्स बाबू मान लो 3x है, प्लस 3 3x 4x है, तो यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, एक्स एक्स सेम होता है, ऐड हो जाता है, 7 हो जाता। उसी तरह से बाबू सर्ट्स के अंदर और ये ऑर्डर सेम होता है, 2√5 ये भी 2√5 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो ऐड कैसे होगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आगे इसको बताएंगे 10√5 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। तो अभी कै गो बच गया, 2 गो बच गया, अभी कै गो बच गया, 2 गो बच गया, तो कौन सा सर्ट्स हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल था बाइनोमियल में आ गया। लिखिए, तो इसी तरह से आपको सिंप्लीफाई करना। अदिति वीडियो बोले, हे राजदीप काहे बंद कैले बाबू, क्या कर रहा बाबू रौनक, ये तो शैतान इससे हम परेशान हो गया, क्या कर रहा रौनक, क्या कर रहा है जी, पढ़ता लिखता कहानी, होमवर्क बना के कहानी भेजता रौनक, कहानी होमवर्क बना के भेज रहा बाबू, उठा बैठे आपको करवाते हैं। अब बोलो बाबू राजदीप, क्या बोल रहे बाबू, फिर वो लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर, बाइनोमियल है सर, ये बाइनोमियल हो गया, ये 4 हो गया सर। हाँ जी सर, आप जो अंडर रूट में 5 लिखे हैं और -4 है, तब उसको सब्ट्रैक्ट नहीं किए सर, अरे शैतान सब, 5 - 4 नहीं हो सकता, नहीं बाबू ऑर्डर असर्ट सेम नहीं ना जी, यहाँ पे बाबू नहीं, इसको आगे पढ़ाएंगे सब्ट्रैक्शन, 5 - 4 नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सर्ट ही बिना सर्ट वाला, सर्ट को सर्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। आलोक होमवर्क का नहीं भेज रहा है बना के जी, आलोक कल सब बच्चा को बुठा बैठी करवाएंगे, बहुत पढ़ाते बाबू। सर निखिल मैंने तो आपका भी नहीं आया, भेजा है निखिल हाँ आपका आया, सर निखिल सर, आपका मेरा भी नहीं तो है बोला, आता है ना सर, मेरा आता है ना अच्छा सर, लक्ष्मी सर का, बात दे लीजिए अच्छा सर, ठीक मेरा होगा मत आता करो, है अच्छा ठीक है जी, वो नहीं आता अपने उठा बैठे करवाएंगे तो पता चला, आपका भी नहीं आया होमवर्क निखिल बाबू, रौनक का भी नहीं आया, स्वाति का तो आया है, सर, हाँ आता है सर, आपका आपका आया था जी, ये भी तो आता ही है आशुतोष भी भेजा था बोला, उठा बैठे भी सबको करवाएंगे। संकल्प आपका भी नहीं आया बोला, 10 मिनट करने में क्या जाता है होमवर्क जी, एग्जाम के बहाना बनाइएगा, जल्दी लिखिए, यार, मेरा एग्जाम ऐसे तो 5 मिनट में तो होमवर्क के रहता, एग्जाम एग्जाम चलेते रहता, जल्दी लिखिए। सर, को हैंड रेजर और डंप सर, और कोई नहीं, वो स्वर्ण था अच्छा हल्ला मत कीजिए, अरे कैसे बोलो प्रतिक्रिया हैंड राइजर बाबू रिमूव कर देंगे तो जिंदगी में ज्वाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना बाबू, नाम चेंज करो जी, रिमूव नहीं करेंगे सर, तो फिर नॉर्मल पे छटपटाइते तो कर रहना, दिया सर, नॉर्मल पे तो कर दिया नाम ही रिमूव, एक तो होता है वेटिंग लिस्ट में डालना, एक होता है रिमूव करें, रिमूव करेंगे ना तो फिर ज्वाइन नहीं होगा, फिर हम भी नहीं कुछ कर सकते, फिर मोबाइल चेंज करने के बाद। नेक्स्ट बाबू ये हो सर, गया बाबू, इन्हें तो ऑप्शन अच्छा हटा दीजिए ना ठीक है हल्ला मत करो,
अगला क्या बाबू, दो गो और रह गया ना बाबू, एगो कंजुगेट रह गया, तीन गो रह गया, एगो कंजुगेट सेट रह गया, एगो लाइक, एगो अनलाइक। अच्छा ठीक है, एगो लाइक एगो अनलाइक रह गया है ना, एगो कंजुगेट लाइक और अनलाइक। हाँ जो ला, अच्छा ठीक है, जो लाइक सेट होगा उसी को हम लोग ऐड करेंगे और उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना। और उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को हम लोग डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट बाबा है ना। अच्छा डी आई भाई दे देते, टाइम भी हो ही गया। 270। अच्छा पाँचे देंगे सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। नेक्स्ट तो 279 होगा। 29 यस सर, सो 279 होगा। हाँ बोला, इसको अब थोड़ा आप लोग सिंपलीफाई करो तो है ना, थोड़ा थोड़ा सीखो सिंपलीफाई। 1000 मल्टीप्लाई बाबू है ना 64, 100 को ब्रेक करो और 64 को तोड़ो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो होता है कि सर नहीं होता है एट्टी ना। आएगा, 80। बाय सर। सर मैं वीडियो देखूंगा, समझ सर ऐसे छोटे छोटे दे दीजिएगा। हाँ सर मैं नेक्स्ट दे सकता हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया सर, हाँ जी समझ में नहीं आया, वापस से देखूंगा वीडियो। अच्छा ठीक, हल्ला मत करो। सर हेलो क्रेज हैंड की। अच्छा जी हल्ला मत कीजिए जी, बढ़िया आप लोग एंजॉय करते हो। सर देखिए सोन देव भी रेस हैंड, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। बस सर बस इतना ही दीजिए ना। अच्छा ठीक है हल्ला मत कीजिए। आप लोग को उठा बैठे करवाएंगे जी, होमवर्क बहुत सारा बच्चा नहीं भेजता, लक्ष्मी तो और नहीं भेजते, उसको भी अब करवाएंगे, अब सब शैतान हो गई है। सर बस इतना ही। अच्छा ठीक है, सर बस सर अब और नहीं। अच्छा ठीक है जी, नहीं दे रहे जी। प्योर होगा या इम्प्योर होगा, छोड़ो मतलब कन्वर्ट इनटू इम्प्योर, इम्प्योर मतलब सर इम्प्योर मिक्स, मतलब अरे मिक्स बाबू, कन्वर्ट बाबू, में क्या करना है और कन्वर्ट इनटू मिक्स में। सर 283 में क्या करना है सर, मिक्स को मिक्स में। अच्छा प्योर में क्या करते हैं सर, सर मिक्स ही लिख देते वही आंसर हो जाता। टाइप ऑफ सर्ट, यहाँ पे कौन सा टाइप है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कौन सा है, वही लिखना है। सर बाइनोमियल, बाइनोमियल जो भी रहेगा सिंपलीफाई करना। बाय सर, बाय सर। आलोक होमवर्क कहानी भेजता जी, आलोक आलोक बाबू भाग गया जी, आलोक होमवर्क कहानी बना के भेज रहा है जी। सर भेज दूंगा। बाबू कूटने में देर नहीं करेंगे भोला, होमवर्क उम्र बहुत दिन से आपका नहीं आ रहा है, रौनक का नहीं आ रहा है, वो तो शैतान मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है।
दूसरा नंबर से फोन करना पड़ेगा, सर उससे क्या होगा? कॉल नहीं लगता है, फिर दूसरा नंबर से हमको कॉल करना पड़ेगा, फिर उसको कूटेंगे भर पेट। मतलब ये ब्लॉक कर दिए हैं? अरे तो ब्लॉक कर दिया तो दूसरा नंबर से कॉल कर सकते हैं ना जी।